एपीजी थर्ड, ये कब पब्लिश होता है? ये होता है पब्लिश 2009 में, 2003 के बाद 2009, 6 साल के गैप पीरियड में। उसमें भी काफ़ी रिसर्च हुआ, चेंजेस आने थे, क्लासिफिकेशन धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहे थे। एपीजी फर्स्ट हो गया, एपीजी सेकंड हो गया, अब आता है एपीजी सर थर्ड। ये पेपर देखेंगे, ये पेपर काफ़ी छोटा पेपर है, और इसमें क्या हुआ, इसमें भी वैसे ही फैमिली और ऑर्डर्स में हेर फेर हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ एपीजी सेकेंड में एक चीज़ और था, आपको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी फैमिली या ऑर्डर रिकग्नाइज किया हुआ था। तो एपीजी सेकेंड में एक अच्छी चीज़ ये दी गई है, यहाँ पे एक वो बनाया गया, मार्क्स कुछ दिए गए थे एपीजी सेकेंड में, जैसे स्टार न्यू फैमिली प्लेसमेंट के लिए, जहाँ जिस फैमिलीज में स्टार लगा है, इसका मतलब वो फैमिली कहीं दूसरे जगह से उठा के कहीं दूसरे ऑर्डर में दिया जा रहा है। तो एक ये की था स्टार का। सेकंड क्या था, एक ऐसा वाला साइन था, ये साइन क्या है, न्यूली रिकग्नाइज्ड ऑर्डर के लिए साइन था, जो ऑर्डर जिसमें ना लास्ट में पेपर के लास्ट में पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है फैमिली तक एक एक चीज़ का, और उससे पहले जो था वो केवल लाइट आउटलाइन दिया गया है। ये जैसे ये क्या है, ये आउटलाइन है, और इसके पीछे आप देखेंगे पूरा अच्छे से दिया गया है। तो उसी में आपको जिसमें स्टार लगा है, यानी फैमिली नया कहीं दूसरी जगह से आई है, कहीं दूसरे ऑर्डर से या कई दूसरे ग्रुप से, ये साइन पे जहाँ पे लगा है इसका मतलब वो न्यूली रिकग्नाइज ऑर्डर है। आपको पता है 5 नए ऑर्डर रिकग्नाइज किए। और एक साइन था ऐसे करके, इसका नाम मुझे नहीं पता, डबल एस टाइप का है, ठीक है, ये न्यू फैमिली सर्कमस्क्रिप्शन। सर्कमस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे किसी फैमिली का मैं बताऊँ ये जनरल कैरेक्टर है, तो वो उसका सर्कमस्क्रिप्शन हो गया, मतलब इसके जिसके उसके अंदर जितने भी उसके मेंबर आएंगे उसमें वो कैरेक्टर होना चाहिए। न्यू फैमिली सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब उसका थोड़ा सा सर्कमस्क्रिप्शन बदला गया, मतलब उस फैमिली के कैरेक्टर क्या क्या हैं, ताकि कुछ और फैमिली भी उसमें उसमें और भी जनरा आ सके। तो यही है, जब हम कहते हैं किसी ऑर्डर का सर्कमस्क्रिप्शन बदला गया, इसका मतलब है जो उसके उस ऑर्डर को आइडेंटिफाई कैरेक्टर है उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये था जिसमें ये लगा है, समझ लीजिए उसके फैमिली में सर्कमस्क्रिप्शन चेंज हो गया। ओके, तो ये सारी मेजर बातें थी एपीजी सेकंड की। एपीजी थर्ड मैंने बताया 2003 में, 6 साल का लगभग गैप, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ और फिर चीज़ें इधर उधर हुई। इस बार बड़ी चीज़ें क्या थी, अब हो गया 410 फैमिली। अगर आप सेकेंड वाले से कंपेयर करेंगे, ये पीजी सेकेंड, ये पीजी फर्स्ट, सेकेंड में कितना था 457, उससे पहले कितना था 462, 59, ये क्या था ऑर्डर, सेकेंड में कितना ऑर्डर था 45, उससे पहले कितना था 40, ठीक है, ये ऑर्डर फैम, ठीक है। अब उसके बाद हायर इनफॉर्मर ग्रुप की बात करेंगे, हायर इनफॉर्मर ग्रुप तो इसमें भी 11 है, इसमें कितना था 11, उससे पहले पीजी फर्स्ट में कितना था 10। अनप्ले फैमिलीज, अनप्लेस्ड फैमिलीज UEF कितना था 9, इसमें 9, और फिर इसमें देखेंगे इसमें कितना था 40, इसमें कितना था 89। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ, सही ना, हाँ 40 अनप्लेस्ड फैमिलीज। तो ये था, देखेंगे फर्स्ट सेकेंड, ये पीजी थर्ड, ये चेंजेस हुए।
ऑर्डर फैमिलीज की संख्या 462 से 457 आया, फिर इसमें 410, इसमें 40 था, फिर 45 हुआ, फिर 59, हायर इनकॉमन ग्रुप 10 था, 11 था, इसमें 11 ही, और अनप्लेस फैमिलीज 89 थी, फिर 40 हुआ, अब बचे कितना 9। अब अनप्लेस फैमिली मैंने हर बार थोड़ा सा डिटेल में बताया है, देखते हैं बेसल कितना हुआ, 0 रह गया बेसल, मतलब बेसल कोई भी फैमिली अब नहीं थी। ठीक है, मिडिल में कितना था, 7 फैमिलीज ऐसी थी जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है अनप्लेस्ड है, मतलब उन्हें किसी ऑर्डर में नहीं मिला, और 2 फैमिली जो है वो लास्ट में है, एकदम लास्ट में, जो जिनको क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी जगह नहीं मिली। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या था, 3 जेनेरा भी है जिन्हें कहीं पे जगह नहीं मिली। तो ये बात थी एपीजी थर्ड की, और ये भी किस में छपा था, सेम जर्नल, बॉटनिकल जर्नल ऑफ लीनियन सोसाइटी, जो एपीजी सेकेंड जिसमें पब्लिश हुआ था। तो यही है, और एक इसमें बड़ा चीज क्या होता है, बड़ा चीज इसमें ये होता है कि जो अभी आप ब्रैकेटिंग सिस्टम देखते आए थे, ब्रैकेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि ब्रैकेटिंग सिस्टम एपीजी फर्स्ट में, ब्रैकेटिंग सिस्टम एपीजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में कितना था 14, सेकेंड में कितना आया 55, थर्ड में क्या हुआ, ब्रैकेटिंग सिस्टम को उठा लिया गया क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, और एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया गया, उसमें ये देखा कि ये अनपॉपुलर था, तो ब्रैकेटिंग सिस्टम उठा लिया गया इसमें एपीजी थर्ड में। तो ये आपको याद रखना है, ब्रैकेटिंग सिस्टम क्या का क्या मतलब था, प्लस ब्रैसिक एसी, या इसके जगह पर कैपा रेसी, कुछ भी हो, इसके ऊपर जो फैमिली लिखी होती थी, या तो इसको या तो उसमें इंक्लूड किया जा सकता था, या तो एक्सक्लूड अलग से ट्रीट किया जा सकता, ये चीज़ें उठा ली गई उसमें से, तो ब्रैकेटिंग सिस्टम नहीं था एपीजी थर्ड में। और इसमें भी साइन दिए गए, मतलब वैसे वही साइन इसमें भी यूज किए गए, ठीक है, स्टार और एक ये क्रॉस टाइप का, वो सारे साइन इसमें सिनोनिम विनोनिम लास्ट में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका एपीजी फर्स्ट, ये एपीजी सेकेंड, एपीजी थर्ड में यही कहीं था, ये एपीजी थर्ड में 410 फैमिली, 59 ऑर्डर्स, 11 इनफॉर्मल हायर ग्रुप, 9 एम्प्लेस फैमिली जिसमें से 2 फैमिली प्लस 3 जनरा एकदम से आउट है, आउट। हाँ, एक चीज में और देखूंगी, मैंने बताया कि हायर इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें 11, पहले में 10 थे, फिर 11 हुए, इसमें भी 11, पर एक चीज जो चेंज की गई वो थी इनफॉर्मल ग्रुप्स के नाम, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे, एक तो आपका रोजेट्स था, रोजेट्स के अंदर अभी तक आप पढ़ते आए थे यू रोजेट्स फर्स्ट, फिर इसमें एक और सेकेंड, ठीक है, यू रोजेट फर्स्ट, यू रोजेट सेकेंड, एस्ट्रिक था, एस्ट्रिक के अंदर यू एस्ट्रिक फर्स्ट, यू एस्ट्रिक सेकेंड, इन चीजों का नाम यहाँ पे बदल दिया गया। ठीक है, यू रोजेट्स फर्स्ट का नाम चेंज कर दिया गया, यू रोजेट्स फर्स्ट का नाम हो गया फैबिट्स, यू रोजेट्स ये फर्स्ट, ठीक है, यू रोजेट्स फर्स्ट का नाम फैबिट्स रख दिया गया, और इसका सेकेंड वाले का मालविट्स, और ऐसे ही एस्ट्रिड में जो यू एस्ट्रिड था
उसका नाम बदल दिया गया लैमिट्स, ये क्या था यूएसटी फर्स्ट, उसका चेंज लैमिट्स में हो गया, और ये था कैंपानुलिट्स, ये क्या था यूएसटी सेकंड, तो चेंज हो गया, यूरोजिस फर्स्ट फैबिट्स में, यूरोजिस सेकंड मालविट्स में, यूएसटी फर्स्ट लैमिट्स में, और यूएसटी सेकंड कैंपानुलिट्स में, ये चेंजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ी बातें थी एपीजी थर्ड से। अब आते हैं लास्ट में, जो है हमारा एपीजी फोर। एपीजी फोर है 2016 में, एपीजी थर्ड आया 2009 में, 9 7 16, 7 सालों का गैप। एपीजी फोर की क्या बड़ी बातें हैं, इसको तो यही बदल देते हैं। एपीजी फोर की क्या बड़ी बातें हैं, ब्लैक से लिखना पड़ेगा। टोटल फैमिलीज 416, ऑर्डर बढ़ के हुए 64, इनफॉर्मल ग्रुप इसमें हायर इनफॉर्मल ग्रुप 12, अनप्लेस्ड फैमिली 0, जेनरा 1, वो भी कहाँ पे मिडिल में, ठीक है। जेनरा इसमें कुल मिला के 8 है, 8 मिडिल में, 1 लास्ट में, 7। ये लास्ट का जो चीज मैंने बताया एकदम से इन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं पे जगह नहीं मिली, ठीक है। बैटिंग सिस्टम पहले ही थर्ड में उठाया जा चुका था, तो इसमें नहीं लाया गया, ठीक है। एपीजी फोर में, एपीजी फोर में आप देखेंगे 59 ऑर्डर था, इसमें 64 हो गया, मतलब 9 5 14 64, 5 ऑर्डर बढ़ गए, फैमिलीज की संख्या 6 और बढ़ा दी गई। इनफॉर्मल ग्रुप यहाँ 11 था, यहाँ पे 12 हो गया। अनपेस्ड फैमिलीज हमेशा की तरह घट के बहुत कम हो गई, इसमें 0 अनपेस्ड फैमिली था, केवल एक जेनरा था जो लैमियंस के अंदर लैमिट्स में अनप्लेस्ड है, और लास्ट में 7 जेनरा है जिन्हें अभी तक कोई वो नहीं मिला, वो कहाँ पे रखे जाएं। ओके, तो ये बड़ी बातें थी। एपीजी बताया, एपीजी सेकंड बताया, थर्ड बताया, फोर बताया, चेंजेस सारे मैंने बताए। इसमें मेजर चेंजेस क्या है, फैमिली कम हुआ, ऑर्डर बढ़ा दिए गए 5 और, 12 इनफॉर्मल, यहाँ पे 11 11 थे इनफॉर्मल ग्रुप बढ़ गए, तो ये हमें देखना होगा कि वो हायर इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा था। अनप्लेस्ड, अनप्लेस्ड को क्या लिखना था, फैमिली 0 जेनरा 8। ओके, हायर इनफॉर्मल ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इसमें चेंज क्या हुआ, सारे पेपर इसमें एक्चुअली हुआ क्या, सभी चीज़ें सेम हैं, तो उसमें चेंज किया गया, जो 11 से 12 इनफॉर्मल ग्रुप है एक्चुअली, जो क्या था हमारा यू डाइकॉट में क्या था, कोर यू डाइकॉट, फिर इसके अंदर रोजेट्स और एस्ट्रिक्स थे, ये कोर यू डाइकॉट्स हटा दिया गया, ठीक है। कोर यू डाइकॉट्स को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया गया, सुपर रोजेट्स, यहाँ पे सुपर एस्ट्रिक्स। तो क्या हुआ, कोर यू डाइकॉट्स को पहले कितना था हमारे पास, 11 ऐड, उसमें ऐड क्या था, कोर यू डाइकॉट्स, कोर यू डाइकॉट्स को हटा लिया गया, 2 सुपर एस्ट्रिक्स और सुपर रोजेट्स इसी दोनों के ऊपर इनफॉर्मल ग्रुप ऐड किए गए, तो 2 ऐड हुआ, तो एक 11 था, एक माइनस किया 10, 2 और डाल दिया 12, तो टोटल हायर इनफॉर्मल ग्रुप कितने हो गए हमारे पास, 12। ओके, ये थी पूरी कहानी एपीजी की। मैंने पहले वीडियो में आपको एपीजी फर्स्ट के बारे में बताया और कैसे ये क्लासिफिकेशन आया, फाइलेंटिक सिस्टमेटिक्स कैसे डेवलप हुआ, इससे पहले कौन से थे, आर्टिफिशियल नेचुरल
न्यूमेरिकल और फाइलोजेनेटिक, फिर एबीजी फर्स्ट का मैंने बताया पूरा क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या था, ट्री कैसे आता है, नाम कैसे दिया गया, कौन कौन से थे उस टाइम पे। फिर सेकेंड आया वो उसका अपडेट लेके, पहला नोट 1998 में पब्लिश हुआ था, फिर 5 साल के गैप के बाद 2003 में वो पब्लिश हुआ। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर थे उस टाइम पे, उसके बेसिस पे काफ़ी मेजर चेंजेस हुए। आपको पता है, आपको मैंने कंपैरेटिव इस पूरा चीज़ बताया कि कैसे ऑर्डर इंक्रीज हुआ, फैमिली घटती है, अनप्लेस फैमिलीज घटती हैं, अनप्लेस जनरल फैमिलीज काफ़ी घटी, हाई इनफॉर्मल ग्रुप में क्या चेंजेस आए। एक चीज़ याद रखिएगा, यूरोजिस फर्स्ट यूरोजिस सेकंड का नाम बदल के दूसरा रखा गया मालवेट्स और फैबिट्स, और फिर यू एस्टिड फर्स्ट का लैमेट्स और यू एस्टिड सेकंड का कैम्पानोलिड्स रख दिया गया। ये सारी चीज़ें थी जो चेंजेस देखे गए एपीजी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। ये तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, एपीजी फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड फोर्थ बताया। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट आप दे सकते हैं आपको किन किन चीज़ों पे प्रॉब्लम होता है, उस पर हम आगे आने वाले वीडियो पे फोकस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।